गाइज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कोथमीर वड़े की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा और ये प्लेट में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चिली फ्लेक, 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच कुटी हुई धनिया पाउडर। ये प्लेट में मैंने लिया है 2 चम्मच तिल और 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही और यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई लेना है और 1 ग्रेटेड अदरक यानी 1 इंच अदरक कद्दूकस करके और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप कोथमीर और यहाँ पर मैंने बाउल में डाल दिया है 1 कप बेसन और चावल का आटा मैंने 1/4 कप बताया था वही डाला है मैंने और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पर डाल रही हूँ पानी। पानी हमें स्लो स्लो करके डालना है ताकि जो लम्स है वो ना रहे और बाद में हम लोग पूरा पतला कर देंगे पानी डाल के, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए ताकि हमारे कोथमीर वड़ी अच्छे से बन सके, तो लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं पतला कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से पतला कर देना है आप लोगों को। पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना आप लोगों को पतला करना है। मैंने यहाँ पर इतना पानी डाली हूँ पतला करने के लिए और मैंने ये कप यूज़ किया है पानी डालने के लिए, इतना ही कप आप लोगों को पानी डालने के लिए यूज़ करना है और यहाँ पर मैंने जो मसाला डाले थे वो मैं पूरे एक साथ डाल दूँगी और अच्छे से उसको मिक्स कर देना आप लोगों को। देखिए और यहाँ पर दही मैंने अच्छे से फेंट लेना आप लोगों को, पहले दही को फेंट कर आप लोगों को फिर डालना है, दही अच्छे से फेंट लेना है, मैं फिर से बोल रही हूँ अच्छे से आप लोगों को दही फेंट देना है, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से दही डालना है, उसके बाद मिक्स करना है। उसके बाद आप लोगों को डालना है 2 कटी हुई बारीक मिर्ची और 1 इंच अदरक जो ग्रेटेड था यानी कद्दूकस था वो आप लोगों को अच्छे से डाल देना है। अब मैंने कढ़ाई लिया है, आप लोगों को खुली और बड़ी कढ़ाई लेना है क्योंकि हम लोग इसमें मिक्स करने वाले हैं और हम लोगों को मिक्स करने के लिए बहुत बड़ी कढ़ाई चाहिए है, तो मेरे पास तो इतनी कढ़ाई थी और आप लोगों के पास बड़ी रहेंगी तो आप लोगों को वही यूज़ करना है ताकि अच्छे से मिक्स करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने तेल डाला है और ज़ीरा भी डाला है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो मैंने बनाई थी बेसन का जो मैंने बनाई थी वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए भी आप लोगों को अच्छे से मिक्स कर देना है, मिक्स करते करते ही आप लोगों को कढ़ाई में डालना है और यहाँ पर आप लोग पानी से डाल के आप लोग इसमें फिर से डाल सकते हो, अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक मिक्स करना है, जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता है मैं इतनी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि गाढ़ा होते जाए और एकदम गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कोथमीर डाल दी हूँ, कोथमीर मैंने बताया था 2 कप कोथमीर और ज़्यादा कोथमीर जाएगा तो भी चलेगा क्योंकि इसमें मेन रोल कोथमीर का ही है, तो आप लोग कोथमीर ज़्यादा डालेंगे तो भी चलेगा। मैंने 2 कप डाली थी, कोथमीर को अच्छे से सुखा के डालना है आप लोगों को। अब मैंने यहाँ पर लिया ऐसे शेप की प्लेट, सर्कल शेप की प्लेट लिया, आप चाहे तो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की प्लेट भी ले सकते हो। फिर मैंने इसमें ऑयल अच्छे से लगा दिया है, अब यहाँ पर मैं बेसन और जो कोथमीर का जो था वो मैं इसको प्लेट में अच्छी तरीके से फैला दूँगी, अच्छे तरीके से फैला देना आप लोगों को ताकि हर जगह आप लोगों को कोई भी स्पेस दिखे ना। फिर इसे 20 मिनट के लिए बाहर रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से हवा खा सके और यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। मैंने यहाँ पर कटिंग करना भी स्टार्ट कर दी हूँ और मैं फ्राई करने का नहीं बता पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए मेरी वीडियो कैसी लगती है।